हेलो फ्रेंड, टेक्निकल इंतज़ार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप ये देख पा रहे हैं मिरर, ये एक 18 कलर वाला मिरर है। जी हाँ, इसके अंदर एक ही टच सेंसर के द्वारा आप 18 कलर जला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ये मिरर किस तरह से बनाया जाता है। इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये मिरर है 24 इंच बाई 30 इंच का। इसको आज हम 18 कलर वाला मिरर बनाने वाले हैं। अभी तक आपने ऐसी वीडियो भी नहीं देखी होगी किसी भी यूट्यूब चैनल पर। एक ही टच सेंसर रहेगा ये, और इसी के जरिए इसके अंदर 18 कलर आप जला सकते हैं। ये आज हम एक मिरर बनाने वाले हैं। ये हमने इसमें एचिंग किया हुआ है डिज़ाइन, चारों साइड से 1.5 इंच छोड़कर ये एचिंग कर दिया है, और ये यहाँ पर लोगो भी लगा दिया है जहाँ पर हम इसको टच सेंसर को इंस्टॉल करेंगे। और ये मैंने इसका बेस भी पहले से ही बना के रखा है। ये देख सकते हैं, ये मैंने इसका बेस बना के रखा है। पीवीसी शीट का है, 6 mm का। ये टांगने के लिए इसमें हैंगिंग कान भी दिए हुए हैं। और ये मिरर से लगभग चारों साइड से आधा आधा इंच छोटा रहता है। ये देखिए, ये आधा आधा इंच छोटा है। और इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हमको एक तो ये RGB लाइट चाहिए। देखिए, RGB लाइट आती है, ये RGB लाइट चाहिए। इस पैकिंग के अंदर आती है RGB लाइट। और एक हमको इसमें वाइट कलर की LED स्ट्रिप चाहिए। ये वाइट LED स्ट्रिप है। और ये एक मेन गेट चाहिए। और इसके अलावा हमको इसमें एक ये RGB कंट्रोलर चाहिए, जो हमारे यहाँ पर ही मिलता है। ये कंट्रोलर रहता है इसमें, और एक ये RGB का 18 कलर का ये सेंसर रहता है जो हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। इसी के ज़रिए आप 18 कलर जला सकते हैं। ये दोनों चीज़ें साथ में आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमको एक SNPS चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक SNPS है 12 वोल्ट 4 एम्पियर की। तो ये सामान इसके अंदर लगने वाले हैं। तो आपको ये देखना है कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, ये कैसे बनेगा, तभी आपके समझ में पूरा आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम मेन लीड से शुरुआत करते हैं। ये जो मेन लीड रहती है पावर सप्लाई की, सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमारा कनेक्शन जहाँ पर ये फिटिंग होने वाला है कहाँ से निकलेगा। अभी ये जो मिरर मैं लगाने वाला हूँ, तो उसमें ये साइड में नीचे से बॉटम से पावर सप्लाई हमें देनी है, इसलिए हम यहाँ से ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमको इसको होल करना है। एक ये स्क्रू ड्राइवर से इसके अंदर होल हो जाता है, और ये आर पार कर देना है होल। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसमें होल कर दिया है एक। ये उसके बाद में इसमें यहाँ से ये वायर इसके अंदर घुसानी है। इस तरीके से ये वायर इसमें चली गई। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि ये ब्लैक वायर डिज़ाइन आ रहा है यहाँ पर तो दिखेगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर टेप लगाना पड़ेगा। ये जो वायर रहती है ब्लैक, इसके ऊपर हम यहाँ पर वाइट टेप लगा देते हैं। इससे क्या होगा, डिज़ाइन के अंदर वायर नहीं दिखेगी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड सब वाइट है और ये टेप भी वाइट रहता है, तो डिज़ाइन के अंदर से ब्लैक कलर नहीं दिखता। इसलिए इस पर यहाँ पर टेप लगा देते हैं, और फिर इसको वापस इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देते हैं। इस ग्रिड को पक्का करने के लिए यहाँ पर एक गुण फेविक्विक लगा देते हैं, और इसको यहाँ पर चिपका देते हैं इस तरीके से। ये देख सकते हैं, ये चिपक गया। ये हमारा मेन लीड का काम पूरा हो गया है। उसके बाद बारी आती है SNPS की। ये SNPS है दोस्तों, इसके अंदर दो वायर हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। ये आउटपुट के हैं, और ये दो रेड वायर हैं, ये इनपुट के हैं। तो हमें ये इनपुट के वायर में ये मेन लीड जोड़नी है यहाँ पर। ये SNPS भी हमारे यहाँ पर ही मिलती है, इसके अंदर ये वायर लगे हुए ही आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ पर ये दोनों वायर इसमें डाल दिए मेन लाइन के, यहाँ पर इसको टेप लगा देते हैं। इसका कनेक्शन हो गया है अपना। अब इसकी आउटपुट है ये,
यहाँ पर हमको इसमें 12 वोल्ट मिलने वाले हैं डीसी के। तो ये आपको क्या करना है, इसके वायर छीलने के बाद ये आपको सेंसर में लगाने हैं दोनों वायर, ठीक है दोस्तों। इसमें जैसे हम ये ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग है और ये नीचे का, तो सेंसर नीचे ही आने वाला है। तो हमको इसमें क्या करना है, ये कंट्रोलर यहाँ पर ही लगाना है नीचे। तो नीचे कंट्रोलर लगाने के लिए हमें यहाँ पर जैसे हमको यहाँ पर फिट करने वाले हैं। तो ये RGB LED है, तो इसका एक सॉकेट रहता है कंट्रोलर के साथ। ये देख सकते हैं, ये जूम करके दिखाएंगे कैमरे वाले, ये देखो इसके अंदर ये तीर के निशान बने हुए रहते हैं ये दो। तो ये आपस में हमको यहाँ पर मिलाने हैं। तो ये RGB का कनेक्शन हो गया है यहाँ पर, ये इस तरीके से ये मिलाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोलर को यहीं पर लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, RGB लाइट हम यहीं से स्टार्ट करते हैं चिपकाने, ठीक है। यहाँ से हम RGB लाइट स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें हम गोल तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ से ये काट लेते हैं इतना, जो हमने ये पार्टीशन लगाया है, ये पार्टीशन यहाँ से इतना काट लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से कट जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से कट गया, ताकि ये वायर यहाँ से हम यहाँ पर ले जा सकें। तो इसमें भी दोस्तों हमें यही करना है, इस पे वायर पे वाइट कलर का टेप लगाना है। जैसे जैसे ये वायर है डिज़ाइन जैसे दिखाई देगी, तो इस पर भी हम वाइट कलर का टेप लगा देते हैं यहाँ पर। ये मैंने वाइट कलर का टेप लगा दिया। अब इसमें ये स्टिकर लगा हुआ रहता है, पतला स्टिकर लगा हुआ रहता है, इसके ऊपर डबल गम टेप आता है। जैसे ही छुटाएंगे तो इसके ऊपर का स्टिकर ये निकल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा ध्यान से हटाना है, ये स्टिकर हटाना है, ये निकल गया। इसमें चिपकन रहती है यहाँ पर, तो हम इसको लाइट को यहाँ से चिपकाना चालू करेंगे। जैसे देख सकते हैं आप, ये यहाँ से आसानी से चिपकना चालू हो गया। ये देख सकते हैं लाइट हमारी यहाँ पर, RGB लाइट हमने यहाँ पर ये चिपकानी चालू कर दी है। ये हमारी RGB लाइट पूरी चिपक चुकी है, वापस यहाँ पर आ चुके हैं हम, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। इसमें दोस्तों ये देख सकते हैं, ये कट का निशान रहता है यहाँ पर, ये तीन तीन LED के बाद हम इसको काट सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, लाइट अपनी हो गई है पूरी। इसमें यहाँ पर इसका एंड हो गया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसका एंड कर दिया। अब ये यहाँ पर हमें इसको फेविक्विक डाल देते हैं, ताकि ये मजबूत हो जाएगी, फिर हिलेगा नहीं। ये यहाँ पर फेविक्विक डाल देते हैं, ये देख सकते हैं, ये फेविक्विक डाल दिया हमने यहाँ पर, ये चिपक गया। अब ये परमानेंट हो गई यहाँ पर, ये हिलेगी भी नहीं। ये कंट्रोलर का कनेक्शन इसमें हो गया है। इसमें ये जो जॉइंट है इसका, यहाँ पर भी हम टेप लगा देते हैं, ताकि ये बाद में कनेक्शन लूज ना हो। तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर एक टेप मार देते हैं जोड़ पे, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर भी टेप लगा दिया। अब ये तो एक लाइट पूरी हो गई, अब दूसरी लाइट की बारी आती है। ये देख सकते हैं, ये वाइट वाली LED स्ट्रिप है, ये भी हमें लगानी है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, वायर इसके छोटे आते हैं, तो वायर जोड़ने पड़ेंगे इसमें। तो पहले वायर जोड़ लेते हैं इसके अंदर थोड़े थोड़े, ताकि सेंसर तक हमारी ये वायरिंग पहुंच जाए। ये वायर हमने इसमें जॉइंट लगा दिया, ये दो वायर हमने रेड और ब्लैक यूज़ करा है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले इसके ऊपर हम एक वाइट टेप लगा लेते हैं, ताकि वो डिज़ाइन में ना दिखे। ये देख सकते हैं, ये वाइट कलर का हमने इसमें टेप मार दिया है। अब ये भी हम इस तरीके से ही चिपकानी चालू करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक खांचा और कर लेते हैं, ताकि वो हमारा वायर यहाँ पर आसानी से निकल जाए पार्टीशन में से। ये देख सकते हैं, PVC शीट से काम करने से
ये फ़ायदा रहता है कहीं से हम काट सकते हैं। ये वायर हमारा यहाँ पर निकल जाएगा तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसके ऊपर ये स्टिकर रहता है, देख सकते हैं ब्लू कलर का पन्नी रहती है, तो ये छुटाएंगे तो नीचे डबल गम टेप निकलेगा, उसके ज़रिए हम यहाँ पर ये यहाँ से हम चिपकानी चालू कर देते हैं दूसरी लाइट, और ये वायर यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देंगे ताकि डिज़ाइन में से न दिखे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फेविक्विक लगानी पड़ेगी, ये फेविक्विक लगा के इसको परमानेंट कर देते हैं हम, और ये परमानेंट हो गया अपना, हिलेगा नहीं। उसके बाद में हम ये लाइट यहाँ से चालू कर देते हैं लगाना, ये चारों साइड वाइट कलर की LED भी हमें चिपकानी है इसमें। वाइट कलर का इसमें हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि RGB के अंदर वाइट कलर प्योर नहीं आता, तो इसलिए सेंसर के अंदर भी एक्स्ट्रा एक रिले दिया हुआ रहता है वाइट कलर की LED के लिए। ये यहाँ पर हम ये वाइट LED लगा रहे हैं ताकि वाइट कलर भी हमको मिले इसमें। इसके अलावा 17 कलर तो हमको मिलेंगे ही, ये 18वां कलर एक वाइट कलर रहता है। ये पूरा हो गया है यहाँ पर, इसको काट देती है, देख सकते हैं ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइट हो गई। ठीक है, अब हमने जो वायर बढ़ाए थे, ये जो हमने वायर बढ़ाए थे इसके, ये देख सकते हैं ये जो वायर बढ़ाए थे हमने, तो ये हम इसमें इतने काट देते हैं यहाँ से, ताकि ये सेंसर तक भी आ जाए, ये वायर हम यहाँ पर काट देते हैं। अब ये हमारे वायर लाइट LED के हो गए, और ये आ गया RGB का, दो कलर दो वायर हमारे इसमें मिल गए, एक RGB सेंसर का और एक ये इसका मिल गया, और इसको एक ये पावर सप्लाई का आ गया। ये सारे कनेक्शन हम सेंसर में करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ पर सेंसर आने वाला है तो ये RGB कंट्रोलर हम यहाँ को उसको डबल गम टेप से चिपका देते हैं, और सेंसर का मुंह उसका इधर को कर देते हैं ताकि वो हमारा जो सेंसर वेव्स फेंकेगा तो ये सेंसर कैच करेगा। जो RGB सेंसर रहता है, ये जो RGB सेंसर रहता है इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, ये LED लगी हुई है, ये एक सेंसर रहता जो हमें सिग्नल भेजता है, और ये जो दूसरा वाला सेंसर है ये इसको कैच करता है। तो जैसे हमारा ये सिग्नल भेजेगा ये कैच करेगा और ये इसकी लाइट का कलर बदलेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आने वाला ही है हमारा यहाँ पर, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर चिपकाएंगे ताकि इसमें से जो रेज निकलेंगी वो इस तक आसानी से पहुँच सके। तो इस कंट्रोलर को यहीं पर हमें कुछ चिपकाना पड़ेगा, तो मैंने ये डबल गम टेप लिया है 3M का और ये यहाँ पर मार दिया। इसके बाद इसका ये ऊपर का स्टिकर निकालने के बाद इसको यहीं पर हम चिपका देते हैं, ये चिपक गया, ये परमानेंट हो गया। अब ये सेंसर की बारी आती है इसकी, तो इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं, यहीं पर इसको इस तरीके से लगा देते हैं ताकि यहाँ से जो ये सिग्नल भेजेगा आसानी से ये कैच करेगा। तो उसके लिए एक और हम ये डबल गम टेप का टुकड़ा लेते हैं और यहीं पर इसको सेंसर को आराम से यहीं पर चिपका देते हैं। ये तो हो गया इसका कनेक्शन, बाकी ये दो वायर बचे, तो ये दो वायर दोस्तों ये जो SMPS है इसमें डायरेक्ट देने रहते हैं, ये SMPS में इसके RGB के डायरेक्ट वायर जोड़ने पड़ेंगे हमको। तो ये वायर मैं यहाँ पर छील देता हूँ, ये देख सकते हैं ये रेड कलर जो SMPS से आया, और ये RGB जो कंट्रोलर है ये दोनों का एक जगह हमने मिला दिया, और ये दूसरा निगेटिव का जो 12 वोल्ट का आया, और ये RGB कंट्रोलर का ये भी हमने मिला दिया। तो अभी दोस्तों क्या हुआ, इसमें 12 वोल्ट यहाँ से डायरेक्ट इस कंट्रोलर को चले गए। अब कंट्रोलर में लाइट आएगी तो तुरंत ये चालू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक फ़ीचर इसके अंदर ये दिया हुआ है, जैसे ही हम इसकी पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो ये ऑफ़ का कोड भेज देता, जिसके कारण हमारी लाइट जो ऑफ हो जाती है। दूसरा ये वाइट LED का आ गया, ये दो वायर है तो हमें इसमें से भी दो वायर थोड़े लंबे करने पड़ेंगे ताकि हम जो मिरर पे ये इंस्टॉल करेंगे उस तक इसकी वायर पहुंचा सके। ये रेड में हमने यहाँ पर रेड मिला दिया है, ये देख सकते हैं, और ये ब्लैक वायर में ब्लैक वायर मिला दिया है। तो दोस्तों क्या हुआ, ये देख सकते हैं ये मेन लीड आई, ये SMPS में गई, SMPS में से जो 12 वोल्ट आए दो वो डायरेक्ट कंट्रोलर को भी चले गए, और ये दो
वायर जो ये सेंसर को जाएंगे, इस वाले सेंसर को जाएंगे 12 वोल्ट। तो यहाँ पर हम इसमें टेप लगा देते हैं ताकि वायर शॉर्ट ना हो हमारे। इस वीडियो में मैंने कहीं भी आयरन का यूज़ नहीं किया है क्योंकि सब लोगों के पास सोल्डरिंग आयरन की सुविधा नहीं रहती, तो इसलिए मैंने आयरन का यूज़ नहीं किया। इसमें आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा, ये देख सकते हैं ये मैंने वहाँ पर जॉइंट लगा दिया। एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये मेन लीड आई जो पावर सप्लाई रहती है SMPS में गई, SMPS में 2 12 वोल्ट आए, वो कंट्रोलर को डायरेक्ट चले गए, इसमें से ये तार लगे हुए ही आएंगे। और ये जो 2 वायर बचे हैं ये इसकी बराबर, ये मैंने यहाँ पर ये काट दिए थे लाइट के, तो ऐसे ही लगभग इतने ही बड़े ताकि ये सेंसर तक पहुँच सके। ये 2 वायर हमने ये भी काट दिए, ठीक है। ये 2 वायर हो गए हमारे लाइट के वाइट कलर की, और ये 2 पावर सप्लाई हो गए जो सेंसर को जाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम एक टेप लगा देते हैं ताकि वायर इधर उधर नहीं भागे। तो इसके लिए भी मुझे ये डबल गम टेप का एक टुकड़ा लेना है, और ये यहाँ पर मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। ये देख सकते हैं ये वायर हमारा पक्का हो गया। अब इसको SMPS को रोकने के लिए भी हम टेप का यूज़ कर सकते हैं, ग्लू स्टिक का यूज़ भी करते हैं, लेकिन मैं अभी वीडियो में ग्लू स्टिक नहीं लगा रहा, सोल्डरिंग आयरन भी यूज़ नहीं कर रहा, खाली टेप से ही मैं काम कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर ये वायर लगा दिया ताकि ये भी नहीं भिड़े। अब यहाँ पर हम एक ब्राउन टेप मार देते हैं इसके ऊपर हमारे SMPS को, यहाँ पर हम इसको जाम कर देते हैं। हमारी SMPS भी यहाँ पर हमने टेप लगा दिया है, ये SMPS इसके अंदर आ गई है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपके, 2 तार DC 12 वोल्ट के आ रहे हैं जो कि कनेक्ट कंट्रोलर को डायरेक्ट पहले से ही जा चुकी है, और ये 2 लाइट के वाइट वाली। अब ये 4 वायर सिर्फ हमें इस सेंसर के अंदर लगाने हैं। तो चाहिए मिरर पर कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये RGB जो टच सेंसर है ये इंस्टॉल करना है यहाँ पर।